गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका इंग्लिश का टीचर अनिल सर बोल रहा हूँ। आज हम ऑनलाइन क्लास करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जो कि इंग्लिश का चैप्टर है 1 to the people। बेसिकली ये पोएम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपको भेजा गया होगा कॉन्टेंट फ़ोटो खींच कर जो पोएम का, वो आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये पोएम बेसिकली है क्या? ये पोएम टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि कैसा संबंध है, कैसे एक दूसरे को समझते हैं, टीचर क्या हेल्प करता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर, ये टीचर के द्वारा बताया गया है। आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड। इसमें पोएट क्या कह रहा है कि जिस तरह से एक कली जो फूल होता है, फूल का जो कली होता है, वो जिस तरह से फैलता है धीरे धीरे, यंग फ्लावर बनता है, उसी तरह से जो नए बच्चे आते हैं उनके दिमाग को रोज विकसित होता हुआ देखते हैं। कौन देखते हैं? टीचर्स देखते हैं, ये पोएट के अनुसार, ठीक है। एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ स्पेल दैट बाइंड बींग्स योर इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड पावर। और जो टीचर जो होते हैं, आपके जो एनर्जी और पावर होते हैं उनको बांध बनाकर सही तरीके से टाइम टू टाइम जितनी ज़रूरत है जिस क्लास में उतना आपको बताते हैं, ठीक है। दैट स्ट्रेच, वो फैलाता है, ब्रैकेट में है, लाइक यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर। जैसे कि नया जो पक्षी जो अभी अंडे से निकले होते हैं और जो गर्मी के दिन में वो खुदबुदाते हैं, उनको एक देखभाल करने वाला होता है, नहीं तो वो गर्मी में उनको तकलीफ होगी, मगर उनको सही डायरेक्शन देता है। इस तरह से देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ, ओ हाउ द विंग्स ऑफ सर्कमस्टांसेस प्रेसिंग अप्रिल शॉर। इस तरह से उनके जो विंग होते हैं उनमें स्ट्रेंथ आते हैं धीरे धीरे। वो उसी तरह से जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट होते हैं उनको टीचर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और उनको दिमागी रूप से मजबूत बनाते हैं। जिस तरह से पक्षी की माँ जो है वो नए बच्चों को, जिसकी पंख अभी नए नए हैं, उनको मजबूत कराती है। अप्रिल शॉर ऑफ अर्ली नॉलेज एंड अननंबर्ड टाइम, और उसको बार बार सिखाती है। जिस तरह से टीचर अपने बच्चों को बार बार सिखाती है, अननंबर्ड, अगिनत, गिनती भी नहीं है कितनी बार बच्चे गलती कर रहे हैं, और टीचर उसको सुधार के दोबारा पढ़ा रहा है, समझा रहा है। ऑफ अर्ली नॉलेज यानी कि शुरुआती नॉलेज में, ठीक उसी तरह जिस तरह से एक छोटे बच्चे जो होते हैं चिड़िया की, उसकी माँ उसको सिखाती है कैसे उड़ना है, क्या करना है, उसी तरह से टीचर भी सिखाता है अपने बच्चों को। लाख बार गलती करे, टीचर फिर उसको बताता है, फिर उसको समझाता है, उसको सही करता है। ऑफ न्यू परसेप्शन सेट देयर इन्फ्लुएंस एंड हाउ यू वर्शिप ट्रूथ ऑफ ओमनीपोटेंस। इस तरह से न्यू परसेप्शन उसको सिखाते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि कैसे वर्शिप करें, ट्रुथ सच्चाई के रास्ते पे कैसे चले। एंड जॉयंस रेन अपॉन मी व्हेन आई सी, और उनको इंजॉय, साथ में उनको इंजॉय करना भी सिखाते हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ और भी कई फील्ड का जानकारी देते हैं, उनको हौसला अफजाई करते हैं, उनको खुश रहना भी सिखाते हैं। फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, और भविष्य में फेम यानी कि नाम रोशन होना, भविष्य में मिरर ऑफ फ्यूचरिटी यानी कि भविष्य का आईना उसको दिखाते हैं कि आज ऐसा 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 तुम काम करोगे, ऐसा ऐसा तुम पढ़ाई करोगे तो भविष्य तुम्हारा ऐसा ऐसा होगा, उसको मिरर दिखाते हैं। मिरर यानी आईना, आईना उसको दिखाते हैं फ्यूचर का, आज का काम करोगे तो फ्यूचर कैसा होगा ये टीचर आपको बताता है। वीविंग द कैपलेट्स यू हैव येट टू गेन एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव इन अ वेल। और इस तरह से जिस तरह से रुई की धुनाई होती है, उस तरह से टीचर भी जरूरत पड़ने पर कभी सख्त होते हैं, और इससे आपको क्या होता है, गेन होता है, इससे आपको गेन होता है, फायदा ही होता है। एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव इन अ वेल, फील स्टूडेंट को फील होता है कि मैं अब गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ, मैं अब सही रास्ते पर हूँ। कुल मिला के क्या कह रहा है ये पोएट, पोएट कुल मिला के ये कहना चाह रहा है बच्चों कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या संबंध होते हैं, वही संबंध होते हैं जो टीचर अपने बच्चों को कभी प्यार से, कभी दुलार से, तो कभी सख्ती से उसको अच्छे भविष्य के लिए प्रेरणा देता है, साथ में उसको पढ़ाता है, उसको अच्छी बात सिखाता है, जिस प्रकार चिड़िया अपने बच्चों को सिखाती है,
उसी प्रकार टीचर भी अपने अपने छात्रों को अपने बच्चों को सिखाता है। तो एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं, बेटर रहेगा। एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बिंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड पावर्स द स्ट्रेच लाइक यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर्स they are going to try their strength how the winds of circumstances freshening April soars to early the knowledge and unnumbered perception and their influence and how you worship truth omnipotence what joys ran upon me when I see fame in the mirror of futurity weaving the caplets you have yet to gain एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव इन अ वेन। ये मैं आपके साथ दोहरा दिया। बच्चों आप ध्यान दोगे जिसमें अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द हैं उसका वर्ड मीनिंग एंड प्रोनंसिएशन आपको पेपर पे लिखकर व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, आप उसको अपने फेयर कॉपी में उतार लेंगे। ये जो भी डिफिकल्ट वर्ड है आपका वर्ड मीनिंग मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से जिस तरह से आप क्लास में मेहनत करते थे बच्चों, आप घर पर भी मेहनत करोगे, सेफ रहोगे।